बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 27 का लेक्चर नंबर 21 है और आपका टॉपिक है वाटर पोल्यूशन, पानी की आलूदगी, आबी आलूदगी। ह्यूमन एक्टिविटी इज द मेन काज ऑफ पोल्यूशन ऑफ द कैनाल स्ट्रीम्स लेक्स रिवर्स एंड इवन सी वाटर। के इंसानी जो सरगर्मियाँ होती हैं वो सबसे बड़ी वजह हैं कैनाल्स की आलूदगी की, स्ट्रीम्स की आलूदगी की, लेक्स की पोल्यूशन की, रिवर्स की पोल्यूशन की, इवन द सी वाटर। कि इंसान की सरगर्मियों से कौन कौन सा पानी पोल्यूशन का शिकार हो जाता है, कैनाल्स का पानी, स्ट्रीम्स का पानी, लेक्स का पानी, रिवर्स का पानी और यहाँ तक के समंदर का पानी भी आलूदा हो जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। दिस पोल्यूटेड वाटर इफेक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो आलूदा पानी है ये जानदारों को मुतासर करता है जो इसके अंदर रहते हैं। जब पानी आलूदा हो जाए जो जानदार पानी के अंदर रहते हैं उनकी ज़िंदगी मुतासर होती है। एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आल्सो ह्यूमन, और फिर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंसान भी मुतासर होता है। मेन सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर, पानी की आलूदगी के मेन सोर्सेज ये हैं। पहला है सीवेज इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट। अगर सीवेज बोलते हैं नालियों का गंदा पानी, अगर उसकी आप इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट करोगे तो उससे पानी की आलूदगी हो जाएगी। और पानी की आलूदगी की दूसरी वजह क्या है बच्चों, ऑयल एंड डिटर्जेंट। सो पहले हम देखते हैं वाटर की पोल्यूशन की सबसे पहली वजह सीवेज इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट। सीवेज वाटर कंटेन हार्मफुल बैक्टीरिया, जो नालियों का गंदा पानी होता है उसके अंदर नुकसानदेह बैक्टीरिया मौजूद होते हैं एंड पॉइजनस केमिकल और जहरीले केमिकल मौजूद होते हैं। सो सीवेज वाटर के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, पॉइजनस केमिकल मौजूद होते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया काज डिजीजेस लाइक टाइफाइड। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का बायस बनते हैं, मिसाल के तौर पर टाइफाइड फीवर का और कालरा का बायस बनते हैं। कालरा बोलते हैं हेजा। वेन दे गेट इन टू द ह्यूमन इंटेस्टाइन, तो आपने क्या देखा कि सीवेज का जो वाटर है उसके अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और पॉइजनस केमिकल मौजूद होते हैं। सीवेज वाटर के अंदर पॉइजनस केमिकल, जहरीले केमिकल मौजूद हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया मौजूद हैं। सर्टेन बैक्टीरिया काज डिजीजेस, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिजीजेस काज करते हैं, मिसाल के तौर पर टाइफाइड की बीमारी काज करते हैं और कालरा की बीमारी काज करते हैं। जब ये बैक्टीरिया कहाँ पहुँचते हैं, ह्यूमन इंटेस्टाइन में पहुँचते हैं। अनट्रीटेड सीवेज मस्ट नॉट बी एम्प्टीड इन टू द रिवर। जो अनट्रीटेड सीवेज है यानी कि वो नालियों का गंदा पानी जिसको आपने ट्रीट नहीं किया, जिसको आपने कम जहरीला नहीं किया, जिसकी आपने सफाई नहीं की, उसको कभी भी रिवर में एम्प्टी ना करो, कभी भी दरिया में शामिल ना करें। आगे चलते हैं। ऑयल पोल्यूशन ऑफ द सी हैज़ बिकम ए फेमिलियर इवेंट। ऑयल पोल्यूशन ऑफ द सी के जो समंदर का पानी है वो ऑयल से आलूदा हो जाता है, ये एक फेमिलियर इवेंट है, यानी कि आजकल जाना पहचाना इवेंट है। अक्सर जो समंदर का पानी है वो ऑयल उसमें गिर पड़ता है, गिरता है, जिस वजह से वो क्या हो जाता है, ऑयल पोल्यूशन का शिकार हो जाता है। इससे क्या होगा, टू किल द लाइफ इन द वाटर, जैसे पानी की ज़िंदगी जो होगी वो मर जाएगी, पानी में जानदार मर जाएंगे। पार्टिकुलरली लाइफ डिपेंडेंट ऑन द इक्वेटिक प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द अदर लेवल। तो आपने क्या कहा, आपने कहा जो ऑयल पोल्यूशन है सी की, ठीक है, जो समंदर का पानी है उसमें उसमें ऑयल पोल्यूशन हो सकती है और ये एक फेमिलियर इवेंट है, यानी कि कॉमन होता है, इसको इसका हमें पता है। इससे क्या होगा, टू किल लाइफ इन द वाटर, इससे पानी की ज़िंदगी की मौत हो सकती है। पानी में जो ज़िंदगी मौजूद है, पानी में जो जानदार मौजूद है, उनकी मौत हो सकती है, वो मर जाते हैं बेचारे। पार्टिकुलरली लाइफ डिपेंडेंट ऑन द इक्वेटिक प्रोड्यूसर, और ख़ासतौर पर वो लाइफ जो पानी में मौजूद प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करते हैं और कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो जानदार मर जाते हैं। आगे चलते हैं। वेरियस डिटर्जेंट आल्सो एंटर द वाटर फ्रॉम द हाउसेस। बहुत सारे डिटर्जेंट वो चीज़ें होती हैं, केमिकल्स होती हैं जो कि मैल वगैरह साफ करने के काम आती हैं। वेरियस डिटर्जेंट आल्सो एंटर द वाटर फ्रॉम द हाउसेस के मुख्तलिफ घरों से डिटर्जेंट भी क्या करते हैं, पानी में शामिल हो जाते हैं। एंड लॉन्ड्रीज और कपड़े धोने वाली मतलब जो जगह होती है उसको लॉन्ड्री कहते हैं। तो लॉन्ड्री से और घरों से डिटर्जेंट रिलीज़ होते हैं और वो कहाँ एंटर हो जाते हैं, पानी में एंटर हो जाते हैं। सो लॉन्ड्री से और हाउसेस से डिटर्जेंट क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं और पानी में दाखिल हो जाते हैं। टू पॉल्यूट इट, और पानी को आलूदा कर देते हैं विद वेरियस हार्मफुल इफेक्ट।
और जब पानी आलूदा हो जाए तो उसके बहुत ज़्यादा नुकसानदेह असरात होते हैं। सम डिटर्जेंट कंटेन ए लॉट ऑफ फॉस्फेट, कुछ डिटर्जेंट के अंदर बड़ी मिकदार में क्या मौजूद होते हैं, फॉस्फेट मौजूद होते हैं। दिस इज़ नॉट रिमूव्ड बाय द सीवेज ट्रीटमेंट, और इन फॉस्फेट को सीवेज ट्रीटमेंट के प्लांट में रिमूव नहीं कर सकते। याद रखिएगा डिटर्जेंट में फॉस्फेट मौजूद होंगे, और ये डिटर्जेंट जो डिटर्जेंट के अंदर फॉस्फेट मौजूद होंगे, जब डिटर्जेंट पानी में जाएंगे तो पानी में फॉस्फेट हो जाएंगे, और ये जो फॉस्फेट होंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में रिमूव नहीं होंगे। एंड इज डिस्चार्ज इन टू द रिवर, और कहाँ चले जाएंगे, ये रिवर में चले जाएंगे। द लार्ज अमाउंट ऑफ द फॉस्फेट एनकरेज द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोस्कोपिक प्लांट कॉल्ड यूट्रॉफिकेशन। याद रखिएगा बच्चों, डिटर्जेंट जब पानी में जाएंगे तो डिटर्जेंट जो होते हैं उनमें फॉस्फेट और नाइट्रेट ज़्यादा होते हैं। ये फॉस्फेट और नाइट्रेट जो होते हैं ये पानी में मौजूद जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है उनकी खुराक बनते हैं, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, द लार्ज अमाउंट ऑफ फॉस्फेट एनकरेज द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोस्कोपिक प्लांट कॉल्ड यूट्रॉफिकेशन। तो जिसके नतीजे में ये बड़ी मिकदार में मतलब ये जो फॉस्फेट हैं ये इनक्रेज करेंगे, ग्रोथ को इनक्रेज करेंगे माइक्रोस्कोपिक प्लांट की, और पानी के अंदर अल्जी वगैरह ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और अब पानी में जब न्यूट्रिशन ज़्यादा हो जाए, एक्सेसिव एनरिचमेंट ऑफ द वाटर को क्या कहते हैं आप, यूट्रॉफिकेशन कहते हैं, जिसके नतीजे में अल्जी की खास तौर पर ग्रोथ जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। दिस मे इफेक्ट द फोर्स ऑफ दैट एक्वेटिक रिजर्वायर, इससे जो जानदार हैं पानी में रहने वाले वो मुतासर होते हैं। सो ये आपने देखा एक छोटा सा टॉपिक वाटर पोल्यूशन एंड उसकी काजेज, जिसमें काजेज में सीवेज इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट देखा और ऑयल एंड डिटर्जेंट देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे यूट्रॉफिकेशन। अल्लाह हाफिज़।